फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इस तरह का फोटोबुक डिज़ाइन कैसे होता है। बिल्कुल इस तरह का क्रिएटिव और इनोवेटिव एक डिज़ाइन एकदम आसान है। चलिए मेरा संग सीखते हैं इसको कैसे इस तरह का इनोवेटिव और क्रिएटिव डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं फोटोबुक। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उस फ्रेंड को मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो के बिल्कुल नीचे में देखिए यहाँ ऐसा एक सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना है। और मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर आपको क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस तरह का क्रिएटिव एक फोटोबुक डिज़ाइन किस तरह से और कैसे बनते हैं। चलिए तो पहले इसको बंद करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पेज लेआउट के बारे में, ये जो 12x36 पेज लिया मैंने, देखिए 36x12 का एक पेज लेआउट लिया। अभी इसके बारे में, लेआउट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। जिस फ्रेंड को लेआउट के बारे में उतना पता नहीं है, आप एक बार देख सकते हो उस वीडियो को, तो आपको पता लग जाएगा तो कैसे किस तरह से लेआउट बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 7 फोटो लिया। तो 7 फोटो से मैं बनाऊँगा। पहले ये मैं डिजाइन बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पहले न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बना लिया। ये फोल्डर इसीलिए बनाया, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बोला था जो जो फोटो यूज़ हो जाएगा उस फोटो को मैं इसके अंदर दे दूंगा, तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन कौन फोटो यूज़ हुआ और कौन नहीं हुआ, मतलब दोबारा रिपीट होने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को मैं निकालता हूँ, इसको मैं कंट्रोल ए से कॉपी किया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल डब्ल्यू से बंद कर दिया। ये सब ट्रिक्स इससे पहले वीडियो में भी मैं बताया था। इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा बिल्कुल इस तरह से। फिर नीचे वाला लेयर पर जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, इसे कंट्रोल टी करेंगे, इसको मैं इस तरह से फैला देगा। चलिए इस तरह से मैं इसको फैला दिया। फिर क्या करना है, ये बैकग्राउंड तैयार होगा। फिर मेरे को जाना है फिल्टर पे, ब्लर पे, और यहाँ पे जाके गोशन ब्लर, और इसको मैं फुल करना, मेरे को फुल करके मैं इसको ओके करना। फिर इसके संग मेरे को थोड़ा सा और सेचुरेशन ऐड करना है। फिर इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू से भी आप इसको डायलॉग बॉक्स को ला सकते हो। इसको मैं सेचुरेशन बढ़ा दिया, सेचुरेशन बढ़ाते मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैच आ गया, तो पैच को क्लीन करने के लिए वापस मेरे को ब्लर पे जाना है और गोशियन ब्लर वापस एक बार देना है। चलिए मैं दे दिया, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो तैयार है। थोड़ा सा अभी इस लेयर पे जाएंगे, इसको मैं ऑन कर देंगे, इसको मैं मास्किंग करेंगे। मास्किंग आप यहाँ से ऐड लेयर मास्क से कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे लेयर पे जाओ, यहाँ पे लेयर मास्क और यहाँ पे हाइड ऑल। फिर यहाँ से ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल का सेटिंग हार्डनेस 0 रहेगा और मैं ओपेसिटी और फ्लो दोनों 100% रखते हुए इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। फिर मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके 20-21% करके थोड़ा सा दो साइड में इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। अभी करना क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, तो अभी करना क्या, अभी मेरे को ये फोटो यूज़ हो गया, अब इसको मैं ये न्यू फोल्डर के अंदर दे दिया। देखिए यहाँ पे फोटो नहीं है, ये न्यू फोल्डर के अंदर मैं दे दिया। इससे क्या होगा, मेरा कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक फोटो दोबारा यूज़ होने का कोई चांस नहीं रहेगा। फिर इस फोटो को मैं निकालता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, फिर इसको मैं पेस्ट किया, कंट्रोल टी से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। ये सब जो फोटो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब फोटो मैं गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, मतलब एक ही वेडिंग का नहीं है, सब अलग अलग फोटो है। फोटो से आपका कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन की सबसे चलिए कैसे डिज़ाइन हो रहा है इस हिसाब से वो अपना फोटो का आप यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन हो सकता है। इसको मैं ये न्यू फोल्डर का ना दे दिया। फिर मैं यहाँ से इस फोटो को निकालता हूँ, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू किया, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अभी क्या करना, सेम साइज में करने के लिए मैंने पहले जितना वीडियो रीडिंग एल्बम का बनाया था सब में बोला था, इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा किया था, और इसको सेम साइज में करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और टी, शिफ्ट कंट्रोल टी, सेम साइज में वो भी हो जाएगा। तो दोनों सेम साइज में हो गए, ये दोनों को एक साथ मैं शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको मैं साइज करूँगा, प्लेसमेंट करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा ट्रिक्स है, ये भी देख लीजिए, बिल्कुल ये दोनों के नीचे वाला यहाँ पे जाना है, एक नया लेयर लेना है, यहाँ से आप मार्किंग टूल, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लीजिए, बिल्कुल इस तरह से आपको इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ पे आप
पेन बकेट टूल में जाइए और आप यहाँ से इसको व्हाइट दे दिए, ये दिया, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मार्कर टूल पे यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे राउंड शेप लीजिए। फिर राउंड शेप लेने के बाद आप यहाँ पे एक राउंड शेप इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, एक नया ले लीजिए और उसमें भी आप इस तरह से व्हाइट कलर दे दीजिए, फिर डिसलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर टूल लीजिए, इसके बीच बीच से काट के इसको डिलीट मार दीजिए। फिर आप इसको मूव टूल के सहायता से इसको यहाँ पे लेके आइए। सॉरी फ्रेंड्स, ये अलग लेयर लेना था मेरे को, मैंने अलग यहाँ पे एक अलग लेयर लीजिए और यहाँ पे इसको कलर फिल कर दीजिए। फिर आप मार्कर टूल लीजिए और यहाँ से इसको बीच से इसको डिलीट मार दीजिए। फिर डिसलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आइए। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी किया, इसको इसके संग में जोड़ दिया, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अभी ये दो लेयर जो है, जिसमें ये दो है, ये दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ पकड़ के कंट्रोल ई से मार्च कर दिया, सेम एक लेयर में कर दिया। चलिए अभी इसको मैं कलर ब्लेंड यहाँ से चेंज कर दूंगा, देख लेता हूँ। ये मैं ओवरले कर दिया, इसको ओवरले कर देता हूँ और इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ दे देता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, लेयर स्टाइल खुल जाएगा। ड्रॉप शैडो जो है, ड्रॉप शैडो देना है मेरे को, यहाँ से यूज ग्लोबल लाइट को ऑफ करना है और इसको साइज जो है बढ़ाना है मेरे को। और यहाँ पे अब ये जो शैडो, इसको ड्रैग करके यहाँ से आप नीचे ला सकते हो, बिल्कुल यहाँ से नीचे ला सकते हो। इसको आप ड्रैग करके इधर उधर कहीं भी, ये बहुत अच्छा ट्रिक से, पहले आपको पता था क्या पता नहीं, अगर नहीं हो तो आप सीख लीजिए। इसको आप ड्रैग करके कहीं पे भी किधर से भी मूव करा सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर से कम कर देते हैं इस तरह से, बस इसको ओके करता हूँ। फिर मैं यहाँ से एक दूसरा फोटो लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं एक दूसरा फोटो लेता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ये फोटो यूज करके इसको दे देता हूँ, इसके अंदर ये वाला फोटो मैं लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्लू, एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। मेरा अगर सारे वेडिंग एल्बम का वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सबको पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। इसको भी मैं लेयर मास्क कर दूंगा, लेयर में जाके लेयर मास्क के यहाँ पे हाइडल, फिर यहाँ से ब्रश टूल लेंगे जिसका ओपेसिटी मेरे को 100%, फ्लो भी 100%, फिर इसको मैं ड्रैग करूँगा इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। फिर ओपेसिटी इसको कम कर दूंगा, 28 चले गए, बस 20 के आसपास रख के इसको ब्लेंड कर दूंगा बिल्कुल इसी तरह से। अगर मैं चाहूँ तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं जाके लेयर पे जाके आप इसको कुछ भी कर सकते हो, लेनियर लाइट कर, लाइटर कलर कर दिया, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा लाइटर कलर में, लाइटर कलर नहीं तो इसको मैं कर सकता हूँ, अब इसको लाइटन कीजिए, लाइटन कर दिया मैं इसको, थोड़ा सा अलग हो गया। फिर अभी करता हूँ, इसको मैं यूज करके इसको दे देता हूँ इसके अंदर। अभी इस फोटो को निकलता हूँ, इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके यहाँ पे दिया। अभी इसमें देखिए, मैं पेंट टूल के सहायता से थोड़ा सा कटिंग करूँगा। पेंट टूल के बारे में मैंने वीडियो एक बनाया, जिस फ्रेंड को पेंट टूल के बारे में पता नहीं वो बिल्कुल उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, ये पेंट टूल लिया, यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया, इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से क्रिएटिविटी आप बना सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। इसको करके मैं इसको मूव टूल लिया और कीबोर्ड से मैं डिलीट कर दिया, देखिए इस तरह से इसको मैं बना दिया। अभी कंट्रोल प्रेस करने के बाद बिल्कुल इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया लेयर लेगा, नया लेयर बिल्कुल इसके नीचे में दे देंगे और इसको मैं पेन बकेट टूल से इसको व्हाइट फिल कर देंगे। फिर इसको मैं कंट्रोल टी के सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको मैं यहाँ पे जाके लेयर स्टाइल में जाके ओवरले कर देंगे। फिर इस लेयर के ऊपर आएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे
और इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शैडो दे देंगे। इसमें ग्लोबल ओवर यूज ग्लोबल लाइट को मैं बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ड्रॉप शैडो दे देंगे। चलिए हो गया। अभी फिर बाकी रहा मेरा और दो फोटो, अभी इस फोटो को निकालते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, पेज के हिसाब से लेंगे इसको, फिर इसको मैं ओके मारेंगे, बिल्कुल नीचे लेके आएंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड के ऊपर, फिर इसको भी यहाँ पे लेयर पे जाके एड लेयर मास्क से इसको हाइडल कर देंगे, फिर ब्रश टूल लेंगे, इसका ओपासिटी में 100% फ्लो भी 100% करके इसको मास्किंग कर देंगे, फिर ओपासिटी को कम करेंगे 20% के आसपास लेके जाएंगे, और फिर इसको चारों तरफ से इसको बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देंगे। बिल्कुल फ्रेंड इसी तरह से होगा, और इस फोटो को मैं इसके अंदर दे दूंगा। बाकी रहा मेरा एक फ़ोटो, इसको निकलता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जो मार्की टूल है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे राउंड शेप इफेक्ट टूल लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा। शिफ्ट प्रेस इसीलिए किया क्योंकि ये जो राउंड शेप है बड़ा होगा चारों तरफ से। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल डब्ल्यू से बंद करके नो कर दिया, फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस लेयर को सबसे ऊपर लेके आएंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे बिल्कुल कंट्रोल टी की सहायता से, और इसको मैं यहाँ पे दे देंगे, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, स्ट्रोक देंगे, स्ट्रोक का कलर देंगे हम इस तरह का येलो कलर देंगे, और इसका साइज थोड़ा सा हम इस तरह से बढ़ा देंगे, और इसको मैं दे देंगे इनर शैडो, इसका यूज ग्लोबल लाइट बंद कर देंगे, इनर शैडो को इस तरह से इनर शैडो देके इसको ओके कर देंगे हम। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, बिल्कुल इस टेक्स्ट लिखेंगे, इसका टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ येलो, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं इमोशन, EMOTION इमोशन लिख दिया, मूव टूल लिया, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको मैं, ये जो जगह रहा था इसको थोड़ा सा खाली दिख रहा था, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको एक ड्रॉप शैडो दे देंगे बिल्कुल इस तरह से, फिर इसको मैं ओके कर देता हूँ, और इमोशन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, एक 10-15 मिनट के अंदर एक आपका बहुत ही खूबसूरत एकदम इनोवेटिव और क्रिएटिव एक फोटोबुक एल्बम डिज़ाइन आपका हो गया। 10-15 मिनट के अंदर इस तरह से आप बहुत अच्छा एक पेज बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा ये ट्रिक्स, मेरा ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप पहले से सब्सक्राइब कर दिया हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं कहता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो, नया कुछ आइडिया और नया कुछ ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।